बताएं सर। अब अभी जो मैं आपको वर्ल्ड कप स्टॉक देने जा रहा हूँ वो एक भी है और दो भी। ऐसा कैसे? और दो भी है लेकिन एक ही है। ये क्या है ना, ये क्या नया फॉर्मूला है? तो दो बाप बेटे एक साथ हैं, पीएफसी और आरईसी, ठीक है। अच्छा, मजे की बात है इतने बाप बेटे हैं ये कि दोनों के लेवल भी सेम है। क्या बात कर रहे हैं? तो पीएफसी भी खरीदिए, आरएफसी भी खरीदिए और दोनों के कारण भी सेम है, टारगेट भी सेम है। तो दोनों खरीदारी करने की राय 1 से 3 साल के लिए मेरा टारगेट 600, 750 और 900, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आरएससी 525 पे बंद हुआ है और पीएफसी जो बंद हुआ है वो 485 पर, इसके भी 600, 750 और 900 सेम टारगेट है। अच्छा, अब जो कारण है जिनकी वजह से मैंने इनको पसंद किया, 3 कारण, तीनों कारण भी सेम है, ठीक है। पहला, पावर की डिमांड बहुत स्ट्रांग है इंडिया में और आप देख ही रहे हैं जिस तरह का कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये कंजम्पशन और कई गुना बढ़ने वाला है दोनों ही फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर भी। हम जो घर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, नंबर ऑफ लाइट्स, एसीज, फैंस, कूलर्स जो और माइक्रोवेव्स, क्या 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 ओवन, सब मतलब इतना जो काफ़ी हम पावर कंजम्पशन में जा रहे हैं तो वो बढ़ने वाला है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी जीडीपी ग्रोथ के साथ काफ़ी बढ़ने वाला है। सो पावर की डिमांड ज़बरदस्त रहेगी, तो पावर की डिमांड रहेगी तो पावर फाइनेंस कंपनियों के लिए आगे चलते हुए बहुत अच्छा एक मौका है ही। अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड है, डिविडेंड बहुत बढ़िया है और अभी भी इतना बढ़ने के बाद भी अगर ओवरऑल मार्केट के लिहाज से देखेंगे तो वैल्यूएशन बहुत आकर्षक है। तो पीएफसी और आरईसी दोनों स्टॉक है, दोनों के लिए ये तीनों ही कारण है, कारण दोनों के सेम है, अलग अलग नहीं है, लेवल सेम है, टारगेट सेम है, सब कुछ सेम है। आरईसी सब्सिडरी कंपनी है, पीएफसी होल्डिंग कंपनी है, पीएफसी के पास आरईसी की होल्डिंग है। सो पीएफसी और आरईसी, इसीलिए पीएफसी थोड़ा सा नीचे चलता है आरईसी ऊपर, लेकिन दोनों के लिए मैंने टारगेट सेम रखे हैं। ये दो स्टॉक है जहां खरीदारी करने का। गॉट इट। तो ये आपके लिए वर्ल्ड कप स्टॉक पीएफसी आरईसी।